पूछना पड़ा है, ये आलू है, ये भिंडी है। भिंडी क्या हिसाब दे रहे हो? भिंडी 250 रुपए किलो है। अच्छा 250 रुपए किलो भिंडी है। और तू भाई साहब बायर बोर्ड लगा हुआ है कि हड्डी जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे कौन करता है वो काम? मैं करता हूँ। ये भाई हड्डी जोड़ने का भी काम करते हैं और साथ ही साथ शॉप भी चला रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखें, घरों का पानी नालियों में नहीं जाता, वो डायरेक्ट मैदान में जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको हम पाकिस्तान के अंदर स्लम एरिया विजिट करवाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं लोग और स्लम एरिया किस तरह है, तो आपको विजिट कराते हैं। ये देखें, ये नालियाँ ऊपर हैं और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना नहीं है ख़ास। और वो आप देख सकते हैं, ये रिक्शा खड़ा हुआ है जो सवारी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मोटरसाइकिल के साथ पीछे जो है वो डब्बा लगा के फिर वो सवारी के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी भी है और नाली का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे देखें किस तरह ड्रेनेज सिस्टम है और ये नालियाँ लीक हो रही हैं यहाँ से ना, इस तरह। तो रोड भी मज़े के नहीं है, तो रोड भी कच्चे हैं। और यहाँ पे देखें ये कुम्हार जो है काम करते हैं, उनका जो कचरा वगैरह पड़ा होता है और ये यहाँ पे जलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें ये आजकल खिलौना चल रहा है उससे खेल रहे हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? तैमूर नाम है। ये स्लम एरिया में बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं। और ये आसपास का एरिया है क्योंकि सिटी के बिल्कुल करीब है, तो इस वजह से घर जो हैं सारे पक्के हैं, मगर एरिया जो है ये थोड़ा कच्चा एरिया है। तो यहाँ पे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और हम आगे का एरिया विजिट करने जा रहे हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हम अनसीन कम्युनिटी, अनसीन एरियाज वगैरह आपको विजिट करें। यहाँ पे देखें ये बकरियाँ चराने के लिए बच्चे घूम रहे हैं और आगे का एरिया विजिट कराते हैं आपको। यहाँ पे भी आप देखें कि ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़ास नहीं है और ये इलाका, ये एरिया थोड़ा डेवलप नहीं है, वरना पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी हैं। हम ख़ास करके आपको स्लम एरिया दिखाने के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर भी हैं, घर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़ास नहीं है। आपको यहाँ का शॉप दिखाते हैं और ये भाई सब्ज़ी बेच रहे हैं और यहाँ पे ये शॉप है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कुम्हार। आप कुम्हार हो जात के? कुम्हार। तो गाइस आप देख सकते हैं ये शॉपकीपर है यहाँ के और यहाँ पे ये सेलमैन चीजें लेके आया है। क्या लेके आए हो भैया? चिप्स लेके आए हो? तो ये देखें भाई साहब यहाँ पे ठेले पे जो है ये चीज़ें सेल करने आए और ये शॉप पे देने आए और ये हर जगह जाते हैं शॉप वगैरह पे सेल करते हैं। और ये देखें ये सामने भाई सब्जी बेच रहे हैं। ताजा पालक, आलू मटर। ये पूछना पड़ा है, ये आलू है, ये भिंडी है। भिंडी क्या हिसाब दे रहे हो? भिंडी 250 रुपए किलो है। अच्छा 250 रुपए किलो भिंडी है। और तूरी क्या क्या हिसाब है?
पूरी 140 रुपए। और टमाटर क्या किलो दे रहे हो? टमाटर 80 रुपए किलो। आलू? आलू भी 80। आलू भी 80 रुपए किलो। ये शिमला मिर्ची है 50 रुपए पाव है। 50 रुपए की पाव है, यानी 200 रुपए किलो। ये टिंडी 180 रुपए किलो। टिंडी 180 रुपए किलो। तो गाइस आप सब्जियों का रेट मालूम कर लें, देख लें आपके सिटी में आपके मुल्क में कौन सा रेट चल रहा है, वो आप हमें कमेंट में बताएं। और यहाँ पे दो किस्म के हैं, एक हड्डी का भाई भी काम करता है। तो भाई साहब बायर बोर्ड लगा हुआ है कि आप हड्डी जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे कौन करता है वो काम? वो काम मैं करता हूँ। आप करते हो? आपको काम आता है ये सारा सिस्टम? आप खानदानी जद्दी पुश्ती से काम करते हो या? अल्हम्दुलिल्लाह हम कुमारों का खानदानी काम है। अच्छा अच्छा, ये आप शुरू से यानी हड्डियाँ जोड़ते हो? हड्डियाँ तोड़ते तो नहीं हो? अच्छा, लोग तोड़वा के आते हैं, आप जोड़ते हो? अच्छा सही सही। तो भाई साहब ये भाई हड्डी जोड़ने का भी काम करते हैं और साथ ही साथ शॉप भी चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको यहाँ पे इस पट्टे पे बिठा के और ये भाई साहब इनका जो इलाज करते हैं। तो आपको और भी एरिया विजिट कराते हैं। और ये आप देखें कि रास्ता कितना नीचे है और नाली कितने ऊपर है, और इसकी वजह से यहाँ पे देखें कितनी गंदगी है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग सिस्टम इतना ख़ास नहीं है, तभी यहाँ पे ये इलाका थोड़ा डेवलप नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक मस्जिद है और इस तरफ ये एरिया है और सामने बकरियाँ चला रहे हैं लोग, बकरियाँ खड़ी हुई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मस्जिद की बैक साइड है और ये बकरियों का बाड़ा है। तो कितना आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय का इजहार दें और आपको ये एरिया किस तरह लग रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे घर किस तरह है और ये मुर्गियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे गलियों के रोड आप देख सकते हैं कि किस तरह रोड है, ये भी आप देख सकते हैं सामने। ये पूरा एरिया जो है स्लम एरिया है और कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है सारा एरिया, हालांकि सिटी इतना दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ पे गोला गंडा है। क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो यहाँ पे? बैठे थे यार। अच्छा आप बैठे? लाइट नहीं, क्या करें यार? लाइट नहीं है यहाँ पे? नहीं यार। अच्छा, सारा दिन में 4-5 घंटे आती है भाई। सारे दिन में 4-5 घंटे लाइट होती है? अच्छा, तो गाइज यहाँ पे लाइट वगैरह की भी बहुत मुश्किल है और भाई साहब जो है बैठे हैं गर्मी की वजह से बाहर बैठे हुए और ये गोला गंडा बेच रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे ये गोला गंडा VVIP गोला गंडा। और आगे चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखें घरों का पानी नालियों में नहीं जाता, वो डायरेक्ट मैदान में जाता है, क्योंकि यहाँ के नालियों का और ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़ास नहीं है क्योंकि ये स्लम एरिया है। और आगे का व्यू दिखाते हैं। क्या दूं भाई साहब, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि स्लम एरिया में कितनी गुर्बत है
लोगों के पास बाइक तो है मगर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो यहाँ से पेट्रोल पंप भी बहुत दूर है और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मुश्किलात भी हैं। और आपको सिटी का भी व्यू दिखाते हैं और अभी हम स्लम एरिया आपको विज़िट करवा रहे हैं और स्लम एरिया में क्या सीन है, किस तरह लाइफ गुजरती है लोगों की, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।